इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। ऐसा लग रहा है कि जो शहरीती तरमीम बिल को जो पास किया गया है राज्यसभा और लोकसभा में भी, तो इसके बाद देश के अंदर मुखालिफत की एक लहर उठी है, एहतजाज जारी है। लोकसभा के बाद आखिरकार शहरीती तरमीम बिल यानी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में भी पास किया गया। आखिर इसे पास कर क्या हासिल कर रही है मोदी सरकार? क्यों इस कदर तानाशाही पर मोदी अमित शाह उतरे हुए हैं? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ कर मोदी शाह क्या हासिल करने वाले हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात से भारत को क्या लेना देना, जबकि भारत के सामने अपनी खुद कई परेशानियां हैं। लिहाजा हजारों सवाल का कोई जवाब देने वाला नहीं है। देश के पूर्वोत्तर रियासत में आग लगी हुई है। इसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर आसाम, गुवाहाटी, त्रिपुरा जल रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम कह रहे हैं कि यह बिल तुम्हारे हक में है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद वजीर अमित शाह कहते हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और भारत के तमाम मुसलमान इत्मीनान से रहे। पर क्या आंखों में धूल झोंकने का काम बंद कर पाएंगे अमित शाह और मोदी? ताज्जुब तो यह भी लगता है कि जिन दिगर पार्टियों ने इस काले बिल की हिमायत की, इन्हें देश की एकता अखंडता का जरा भी ध्यान रहा? क्या अब देश वाकई सावरकर की टू नेशन थ्योरी के तहत तकसीम किया जाएगा, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश फिर एक बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है? जिस कदर जनसंख्या से मुतासर भाजपा इकतदार पजीर हुई है, तब से किसी न किसी तरह मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। परेशान करने की कोशिश और साजिश मुकम्मल जारी है, मुल्क में जारी है। यकीनन मुल्क का मुसलमान डरा सहमा हुआ है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और इस देश के संविधान, दस्तूर और जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। पर मुस्लिम माशरा आज भी ऐश परस्ती में मुबतला है, आज भी ऐश परस्ती में मुबतला नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दलित और दिगर पिछड़ा तबका भी संविधान, दस्तूर और लोकतंत्र बचाने की बजाय भाजपा की ही हिमायत करता नजर आ रहा है। एक तरह की हिटलरशाही भारत में देखी जा रही है। अब जबकि देश का लोकतंत्र, जमहूरियत ही खतरे में आया है और दिगर पार्टियां सिर्फ अपना मुफाद देकर खामोश रहे, तो देश को अंधेरे में जाने से कौन रोक सकता है? देश में खुद मुसलमान अकलियती हैं और जब से मोदी सरकार इकतदार में आई हुई है, कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है। बाबरी मस्जिद का फैसला भी राम मंदिर के हक में दिया गया, लेकिन हमेशा भारत के मुसलमानों ने जमहूरियत पर एतमाद करते हुए कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। भारत में दिगर मजाहिब की खवातीन के कई मसाइल है, पर मोदी सरकार को तो मुसलमानों के ही तीन तलाक के पीछे पड़ना था और इस बिल को भी पास किया गया ताकि मुसलमान मर्द ज्यादा से ज्यादा जेलों में चले जाए। यहां पर भी वह मुस्लिम माशरा सब्र का मुजाहरा करते हुए अदालत के फैसले को कबूल करता रहा, जबकि इस देश की रूह इत्तेहाद है या और यही पैगाम इत्तेहाद तमाम मजाहिब ने सारी दुनिया को दिया। इसलिए भारत की तहजीब दुनिया में अजीम शान है, लेकिन लगता है इसे और फलता फूलता मोदी सरकार देखना नहीं चाहती। इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी जल्दबाजी है और इस देश के संविधान दस्तूर को बदलना चाहती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के करोड़ों अल्पसंख्यक लोगों की फिक्र को लेकर कैब यानी कि काला बिल को पास किया गया। अगर वाकई करोड़ों लोग हैं तो भारत में इन करोड़ों लोगों को कहाँ रखा जाएगा, जबकि देश की मईशत डूब चुकी है, बेरोजगारी तारीख के मियार पर पहुंची है, भूखमरी में भारत अव्वल नंबर की तरफ बढ़ रहा है। अगर और करोड़ों लोगों को सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के तहत भारत में अंदर लाया जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में इसका फायदा उठा सके, क्या यह सही है? अगर वाकई मोदी शाह में इतनी इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करोड़ों अल्पसंख्यकों को के बारे में, तो पहले देश की हालत तो बेहतर कर ले। क्या वाकई भारत में भारत को भी फलस्तीन करना चाहते हैं? जिन्होंने भी जिस किसी देश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया, अकलियतों पर जुल्म किया, वह बर्बाद हो चुका है, फिर उस देश का कोई भी धर्म हो, इसलिए कि मजलूम की चीख है सीधा अर्श को जा पहुंचती है। लिहाजा इस काले कानून को लेकर नॉर्थ ईस्ट में मुखालफत के शोले भड़क चुके हैं। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने लोकसभा और राज्यसभा में शरीयती तरमीम बिल पेश किए जाने के बारे में कहा कि असम में मुगलों के हमले के जैसा यह बिल है। आसू ने कहा कि यह रियासत के सामाजिक इत्तेहाद पर हमला है और नॉर्थ ईस्ट को जिसके लिए जाना जाता है उसकी जानबूझकर अनदेखी मोदी सरकार की जानिब से की जा रही है। आसाम के मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, डिब्रूगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया है। वहां एहतजाज करने वालों ने वजीर आला सर्वानंद सोनोवाल और मरकजी वजीर रामेश्वर तेली के घर को निशाना बनाया और उसे नजरियातिज किया। वजीर आला के घर पर पथराव किया,
भाजपा कायदों के घर पर हमले हुए, काफी नुकसान हुआ, आरएसएस दफ्तर में तोड़फोड़ की और वहां पर आगजनी यानी नजर आतिश किया गया। आरएसएस के दफ्तर को एहतजाजियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी लुरीन ज्योति गगोई ने कहा कि अपनी मनमानी में मोदी सरकार मशगूल है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को इसी तरह से पास किया, ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर में होने वाले एहतजाज की जरा भी फिक्र इन लोगों को नहीं है। मरकजी हुकूमत को किसी तरह से पूर्वोत्तर इलाकों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आसाम की आवाम इन्हें सही सबक सिखाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। केरला में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी इस मुस्लिम मुखालिफ बिल की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि पूरे देश में हम एहतजाज करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद ने भी इसी हफ्ते देश भर में एहतजाज करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में आईपीएस रह चुके अब्दुल रहमान ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करते हुए अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। अब्दुल रहमान मुंबई में रियासत महाराष्ट्र इंसानी हुकूक में आला अफसर रह चुके। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन 12 से 14 दिसंबर तक अपने 2 दिन के भारत दौरे पर आने वाले थे, पर भारत की बांग्लादेश को लेकर गलतफहमी और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर के हिंदुओं पर यहां जुल्म किया जाता है, यह गलत है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और भारत को मजहबी मुल्क बनाना बांग्लादेश के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए कि अब बांग्लादेश जमहूरी मुल्क है और हिंदू राष्ट्र का असर बांग्लादेश में इस्लामी बुनियाद परस्तों को शय मिल सकती है, ऐसा भी उनका कहना। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि जहां हिंदुओं पर जुल्म ज्यादा की हुई हो। वैसे भी भारत की तस्वीर पूरे देश में मलिन हो चुकी है। अमेरिका ने भी भारत को इशारा दिया है कि अगर जमहूरियत खतरे में आती है तो पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। खैर, देश एक तरह से खाना जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। अफसोस यही कहा जाएगा कि आज भी हम सोए हुए हैं और हमें एहसास भी नहीं है कि हम पर जुल्म होता जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक और लड़ाई लड़नी होगी, जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ही इस देश को बचा सकता है, वरना भारत हिंदू मुस्लिम के खेल में विश्व गुरु तो बनने से रहा, पर धर्म के नाम पर राष्ट्र खंडहर जरूर बन सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।